आज अपन चर्चा करेंगे आर्थिक प्रदेश एवं प्रादेशीकरण, इकोनॉमिक रीजन एंड रीजनलाइजेशन। जेटी रेनर के अनुसार आर्थिक प्रदेश मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के विशिष्ट केंद्र होते हैं, जहाँ पर विशेष प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। NJG कोण के अनुसार आर्थिक प्रदेश विशिष्ट आर्थिक भू स्वरूप होते हैं, जिसके एक प्रकार के प्रमुख कार्यों के साथ अन्य सहायक कार्यों का विकास होता है, जैसे कृषि क्षेत्र तथा कृषि कार्य से संबंधित पूरक कार्य। पूरक कार्यों के अंतर्गत जैसे पशुपालन इत्यादि। आर्थिक प्रादेशीकरण के आधारभूत नियम। आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन के निम्न सुझाव हो सकते हैं। पहला, प्रदेश की सत्ता में जीवित यथार्थताओं का वस्तुगुण। दूसरा, प्रदेशों के स्वरूप को निश्चित करने में अन्य आर्थिक सूचक। तीसरा, अर्थव्यवस्था के प्रादेशिक एवं खंड की संरचनाओं में एकता। चौथा, योजनाओं के समय पक्ष पर विचार। पांचवा, आर्थिक प्रादेशीकरण के रचनात्मक व्यवहार का दीर्घकालीन पक्ष। छठा, आर्थिक प्रादेशीकरण तथा प्रशासनिक विभाजन में परस्पर संबंध। सातवां आता है, योजनाबद्ध उत्पादन की विशेष भूमिका। आर्थिक प्रादेशीकरण, इस प्रक्रिया के अनुसार आर्थिक प्रदेश निम्नानुसार हो सकते हैं। आरक्षित आर्थिक प्रदेश, पहले ऐसे प्रदेशों में उत्पादन शक्तियों का संगठन कमजोर होता है तथा उत्पादन संभाव्य अधिक होती है, यानी उत्पादन की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। दूसरा आता है पुरोगामी आर्थिक प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन स्तरीय उत्पादन संभव नहीं है। तीसरा आता वृहद स्तरीय आर्थिक विकास वाले आर्थिक प्रदेश, ये ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित हो चुके हैं, परिवहन के साधनों की अधिकता होती है, साथ ही विशिष्टीकरण की प्रक्रिया का आरंभ इनमें हो चुका होता है। चौथा आता आर्थिक विकास के शक्ति केंद्र वाले आर्थिक प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में कुछ केंद्रों पर आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। पांचवा आता विषम आर्थिक प्रदेश, ये आर्थिक प्रदेशों के विकास की अंतिम अवस्था होती है, इसमें पूर्ण विकसित सलिष्ट आर्थिक प्रदेश उभरते हैं। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन में आर्थिक उद्देश्यों में निहित जो तत्व होते हैं वे आधार बनते हैं, जैसे संसाधन आधार, संसाधन उपयोग की प्राविधिकी एवं उसके प्रति अभिरुचि। तीसरा, आर्थिक विकास की आधार संरचना। चौथा, आर्थिक विकास की अवस्था तथा पांचवा, आर्थिक तंत्र का स्वरूप एवं सामान्य आर्थिक कल्याण संबंधी दशाएं। विभिन्न आर्थिक मूल तत्वों तथा आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं के स्तर अनुसार विश्व के देशों को निम्न विश्व स्तरीय आर्थिक प्रदेशों में सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत आगे अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश हैं। कृषि औद्योगिक मिश्रित आर्थिक तंत्र अर्ध विकसित आर्थिक प्रदेश ये दूसरा है। इन आर्थिक प्रदेशों के अंतर्गत अर्जेंटाइन, यूरोगर, दक्षिण अफ्रीका का संघ, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फिनलैंड, जापान आदि भी बिखरे देश सम्मिलित किए जाते हैं। इन सभी देशों में कृषि औद्योगिक मिश्रित आर्थिक तंत्र मिलते हैं। तीसरा आता है केंद्रीय नियोजन विकसित प्रदेश, सोवियत रूस, पूर्व यूरोप के देश क्यूबा, अंगोला, नामीबिया जैसे अन्य महाद्वीपों के कुछ छिपके देश इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि इन अर्थतंत्रों में संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर राज्य का एकाधिकार होता है। चौथा आता है विकासोन्मुख आर्थिक प्रदेश, इस प्रदेश के अंतर्गत जापान को छोड़कर समस्त एशिया, संपूर्ण अफ्रीका तथा संपूर्ण लैटिन अमेरिका का सिवाय अर्जेंटीना, यूरोगवे को छोड़कर शामिल है। OECD के अनुसार यूरोप के 6 देश ग्रीस, माल्टा, पुर्तगाल, टर्की एवं साइप्रस भी इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पांचवा और आखिरी है केंद्र नियोजित विकासोन्मुख प्रदेश, इसमें चीन, उत्तरी कोरिया एवं वियतनाम जैसे विकासोन्मुख देश। ओके।